नहीं मैंने रात का जैसे रात में क्या नीचे से मिट्टी निकाल रहा था आज तोड़ाया किसी ने पहले ये वो साहब लोग ने तोड़ाया ऊपर बना बता ठीक है मजाक थोड़ी तुसी इधर कते चोरी करी आ रहे माइनिंग तुसी फ्री लेते खाई आ रहे हो वो तुसी नहीं पूछे हो तुसी कल्ले ते लोगों की आस्था करने फिलवाड़ लगी थे करना ही वो ये बात हिंदू की नहीं है नहीं नहीं वो तो फिर आप तो 5 दिन में मंदिर तैयार कर सकते हो छोटा सा आपका डे नाइट काम चलता है अगर आपकी मशीनरी एक मिनट भी बंद होती है तो आपके 10 बंदे यहाँ पे आ जाते हैं तो ये बात नहीं है कि हम इधर 50 बंदे आए हैं तो आप लोगों के पास टाइम नहीं आप फोन करो जल्दी करो क्योंकि आपको तो इधर से हम हिलने नहीं देंगे आपको ना जाने देंगे पुलिस को जा रही है ये लाके पूजा करके इधर रूम बना के उधर शिफ्ट कर देते बहुत तरीका होता है नहीं कंटेनर में आप लोगों का ऑफिस रह सकता है तो वो शिव जी भी रख देते कंटेनर में और उस मंदिर की क्या हालत है का मसला है इसमें बिल्कुल नहीं किया मैं एक्चुअली पहले इंजीनियर से बात कर रहा हूँ अपना किसी घर मन लिखना क्या था मेरे को आइडिया भी नहीं किसको इंजीनियर से मैं बात कर लेता हूँ ना पेमेंट की बात आप फोन पे कर रहे हो और बात इंजीनियर से करनी है नहीं आपको बुलाया किसी ने इधर क्या बोला नहीं मुझे तो देखने के लिए भेजा कि हुआ है किसने भेजा बात कर लो आप उसको नहीं पता ना ना उसको नहीं पता मैंने इंजीनियर से भेजा है और मेरे को आइडिया भी नहीं है कहाँ पर मंदिर है क्या है आप इधर खड़े होकर ना अभी फ़ोन करो उसको पूछो जो मंदिर तोड़ा किसने हम कुछ दावत खाने नहीं आए हमें लगा तो आने तो आना चाहिए वो नहीं नहीं सही बात है जो अगर कुछ हुआ है गलत तो उसको तो समझा ऐसा होता आप छोटा सा स्ट्रक्चर बना के फिर शिफ्ट है अब ये एक दूसरे के सर के ऊपर लगा रहे हैं भी वो है फलाना है फलाना है मंदिर इन सारों की सलाह से टूटा है टूट गया तो फिर क्या बन जाएगा हिंदू के बेटे का ये धर्म नहीं है हिंदू के बेटे का धर्म है नेव जमाने का उखाड़ कर फेंकने का नहीं है कभी ये काम तुम्हारा यहाँ कई दिन तक बंद हो जाए फटाफट ये मंदिर की तैयारी करवा तू और विधि विधान के द्वारा यहाँ ला पंडित उधर आओ रोड पे बंद करो ये रोड आना जाना सब कुछ सुनो अब आप मेरी तो बात सुनो ना पहले मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो एक मिनट आप सरपंच साहब हो मेरी बात सुनो कोई बात नहीं गलती होगी उससे वो आएगा उससे बात कोई बात नहीं सर प्यार से बात गलती से टूटा होगा कैसे गलती से टूट गया छोटा सा बहुत प्यार से आराम से ऐसे तो ना बोलना कि गलती से टूट गया कैसे गलती है कर दे पे ना अभी तो एक्चुअली तो हमारी जानकारी में था नहीं लेकिन अभी जस्ट मालूम हुआ उसके लिए क्या करना है मुझे बताइए क्या मतलब जानकारी किस चीज की मंदिर दृश्य था किस चीज की जानकारी नहीं थी आपको ये जानकारी पहले पॉइंट मिली कि मंदिर टूटा था पता नहीं तोड़ा होने वाला हमें जानकारी में नहीं था अब क्या करना है ये बताइए क्या जानकारी मैं तो तोड़ा किसने मेरे ये तड़वाया हम भी हिंदू को ही मानते हैं सर अगर जात पात की बात ही नहीं शिफ्ट करने का मतलब तो यही है कि उसका अच्छे से आप खुद देखिए ना ये अरेंजमेंट है जो कर रखा है ये तो ये लोग यहाँ आए इसने मुझे फोन पर बात हुई तो इसने बोला इन्होंने ऐसे मूर्ति उठा के मार रखी है अब मुझे थोड़ा पता कि ये गलत बात है ये तो कोई भी गल हुई किस चीज के हिंदू आप मुझे बताना या अगर मंदिर आपने उठा भी दिया तो ऐसे रखते हैं मंदिर को देख लो एक बार मुझे पास पड़ी हुई है साबुन का भी ना चल रहा है आप वहाँ पे रखते पूजा करवा देते उसकी ताकि हमें थोड़ी तसल्ली हो जाती कि ठीक है अगर रखा है इनसे गलती से हो भी गया एक तो होनी नहीं चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं होनी अगर उसको टाइम हम आपको देख लेते ना तोड़ते तो गाड़ देते वहीं पे ये मैं आपको सही बता रहा हूँ ठीक है हिंदू आप किस चीज के हिंदू अगर आपको पता है कि अगर तोड़ दिया
तो इसकी कम से कम पूजा तो करवा दो किसी से, करवा दो जो कहेंगे वो करवा दो। अब मैं यार हिंदुओं क्या बात करो, छोड़ रुक जो भी बात है। एक तो अभी मंदिर बनाना है, अभी आपका काम बाद में चलेगा, पहले मंदिर बनेगा ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको पूरा स्ट्रक्चर देके मंदिर बना के एक साथ में रूम बना दो, और ये अपना एक यहाँ के बच्चों के लिए मंदिर तोड़ने की ये सजा है आपको, ये अपने जगह जो प्लेन की है इसको चार द्वारी करके बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड दे दीजिए। कोई छोटा मोटा कोर्ट बना कर दो बच्चों के लिए, बनाई तो है महात्मा जी आप देखिए आप पहले जगह कौन सी जगह उस जगह पे ये कंस्ट्रक्शन शुरू कर, चलो जो होएगा होएगा आपको देख, अगर जो मैं नहीं एक मिनट अगर जो मैं यहाँ मौके पे नहीं होता नहीं यहाँ बहुत तकड़ा हंगामा हो जाना था। अब भी आप मेरी बात मानो, जैसे मंदिर तोड़ दिया गलती हुई आपको क्षमा कर दिया, उस मंदिर को वहाँ सिपट करो जहाँ अच्छा लगेगा, आती जाती दुनिया भी उसकी अंदर पूजा करेगी और हर हिंदू के अंदर आस्था रहेगी। अगर जो किसी सरदार का या क्रिश्चियन का या किसी मुसलमानों की कोई चीज़ तोड़ देती नहीं तो छोटे छोटे काट कर गिर देते। और सबसे पहले तो ये मैं आपको बात बता देता हूँ, आपसे गलती हुई है आपको क्षमा करवा दिया है, फटाफट मंदिर तैयार करवाओ। सनातन ये सनातन छोड़ देता है, बताएंगे किस तरह का मामला आया था सामने और मंदिर को जो है उनके साथ छेड़छाड़ की गई। देखो ये है राजबाग ब्रिज जहाँ पे हमारा पुराना थाना भी होता था, पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, आज का नहीं है। जैसे इधर एक रिटायर एसएसपी साहब यहाँ पे आए थे, जो इनके इंचार्ज हैं, इसको देखते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उन्होंने हमें बताया कि 83 में मैं यहाँ पे मैंने जॉब की थी, तो ये मंदिर यहाँ पे था, लेकिन मंदिर था, लेकिन आज इन्होंने क्या किया कंपनी वालों ने, ये मेगा कंपनी है बता भी देते हैं, ये हमारा एक्स ब्रेक्स हाईवे बना रही है। ये क्या कर रहे हैं, चोरी तो ये करते ही करते हैं, कर रहे हैं माइनिंग की चोरी कर रहे हैं, और वो चलो लोग इतना इनको माफ़ कर देते हैं कि चलो ये रोड बना रहे हैं तो इतना कोई इनिशिएटिव लेता नहीं है। जब हमारे जहाँ पे किसी के भी धर्म को ठेस पहुँचाने की ये कोशिश करेंगे तो इनको फिर बख्शा नहीं जाएगा। तो इसका यही था कि इन्होंने क्या किया, जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है वो चाहे कुछ भी हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, कोई भी हो, उसको इन्होंने क्या करना पड़ता है, अगर रोड में आते हैं उनको नोटिस देना पड़ता है, जो एरिया के रूलर में है तो सरपंच साहब को देना पड़ता है, उनको नोटिस देके फिर उनको बोलते हैं कि हमें जगह बताइए कि मंदिर हमने शिफ्ट करना है। भारत सरकार की ये वाली गाइडलाइन नहीं है कि आप मशीनें लगाओ उखाड़ के फेंक दो, ये नहीं। इन्होंने क्या किया, मनमानी की, उल्लंघना की कानून की, और जो हमारा भोलेनाथ जी का मंदिर था उसको तोड़ा, फेंक दिया, और रखा भी आप लोगों ने देखा कि कैसे इन्होंने रखा हुआ है, उनको बाहर ही रखा हुआ है, कोई पूजा नहीं की है। और ये हमारा धार्मिक महीना चल रहा है अभी भोलेनाथ जी का, उनके मंदिर उखाड़े जा रहे हैं मेगा कंपनी की तरफ से, और उनकी ना कोई पूजा है ना कुछ भी। क्या बात हुई है उनके साथ जो यहाँ पर आए थे? देखो बात मसला तो बहुत जे ख़राब था, चलो हमने हमारे साथ ये सरपंच साहब भी हैं राजबाग के अमरजीत जी, तो इन्होंने भी हमें बड़ा समझा दिया मौके पे आके, हमें कंट्रोल भी किया, नहीं तो हम इनको बताते कि मंदिर कैसे तोड़ते हैं। तो मंदिर जल्द यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, हाँ ये बात उन्होंने अभी मानी है कि जितना जल्दी हम उनको कहेंगे वो उतना ही जल्दी मंदिर बना के देंगे, अगर हम लेट होंगे तो आप अभी होंगे, उनकी तरफ से ये हमारे से वायदा किया गया है कि हम मंदिर को जब आप कहो डे नाइट काम चला के जैसा इनका चलता है वैसे हम मंदिर का काम चलाएँगे और मंदिर अपना बनाएंगे। और हमने इनको ये भी बोल दिया कि ज़्यादा नहीं तो हम
कठुआ सांबा का तक इनका जितना भी एरिया है काम करने का, पर फिलहाल इनका कूटा मोड़ तक है। उधर हमने सीधी सीधी इनको चेतावनी दी है कि अगर मंदिर के साथ किसी भी, भले ही बोल चुका हूँ गुरुद्वारा मस्जिद हो, अगर रोड में आते हैं उनको इज्जत के साथ शिफ्ट किया जाए। अगर आइंदा इन्होंने ऐसी गलती की तो फिर ये अपने आप के खुद ही जमावार होंगे। सरकार से भी क्या अपील रहेगी, जिन लोगों ने इसको खंडित किया है उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ये कंपनी आके मनमानी करती हैं, तो सरकार की तरफ से मैं यही उम्मीद रखूँगा कि इनको गाइडलाइन तो सरकार की है, ये नहीं हम मानते कि सरकार की गाइडलाइन नहीं है, लेकिन मनमानी की तो इन्होंने, तो सरकार से हम अपील करते हैं कि ठीक है इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए आपके माध्यम से। ये हमारे प्रधानमंत्री तक भी ये बात जाएगी, अगर वो हमारी बात उन तक पहुँचे तो मैं कहता हूँ कि इनको ज़रूर बोलिए, क्योंकि मंदिर बनानों के लिए वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं और किया भी है, दिखाया भी है, तो ये गलतियां को लोग क्यों करते हैं ग्राउंड पे, माहौल ख़राब करते हैं, जहाँ तो इनकी अपनी कोई मंशा होती है, जहाँ कोई इनमें कोई ऐसे शरारती लोग होते हैं कि ये ऐसा जो काम करते हैं जो सरकार की जो गाइडलाइन होती है उसको जो नहीं मानते हैं, ठीक है ना। अगर हमने देख लिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही उखाड़ के फेंक देते। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं तो सरकार से यही निवेदन करूँगा कि इन्होंने चोरी से उखाड़ा, चोरी से ऐसे रख दिया, और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इनको कड़ी पे कड़ी सज़ा कार्रवाई होनी चाहिए अगर हमारी आवाज़ उन तक आपके माध्यम से पहुँचती है। वहाँ जो आप दिखाएंगे जगह पे उसको हम क्या नाम है, और यहाँ पर जो है वो मंदिर तोड़ा गया, किसकी गलती थी, क्यों तोड़ा गया, और अब जो है उसको कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा? अभी ये दिखाएंगे, हमें जगह दिखाएंगे जहाँ पे वो पंडित से एक करके, तो जहाँ पे पंडित जी बताएंगे वहाँ पे हम लोग मंदिर उसको बनवा देंगे। उसको तोड़ा क्यों गया था? उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, तोड़ा क्यों गया था, ये तो जिसने भी की है, गलती करी है, उसके लिए तो हम लोग भगवान से माफ़ी चाहते हैं। आज तो ये लोग सामने, अगर ये आज लोग सामने नहीं आते सर, तो मतलब ऐसा ऐसा और कहीं नहीं हुआ है, ऐसा और कहीं नहीं हुआ है, किसी जगह पे पूरे स्ट्रेच में नहीं हुआ है। हम लोग पूरा सबकी आस्था का हम लोग ये करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब ये हमें जो मालूम चला है कि एक एक्सकवेशन में, क्योंकि वो स्लोप बढ़ता है जिसके चलते ये गलतियां हुई है इन्होंने, लेकिन इन्होंने हमारे लोगों को, क्योंकि वो नीचे के लेवल के लोग थे, साइट इंजीनियर थे, उन्होंने बताया नहीं, तो ऐसी गलती होती नहीं मैनेजमेंट के थ्रू। हालांकि ठीक है, मैनेजमेंट ने अभी उस गलती को सुधारने का कोशिश किया है, जैसा यहाँ के लोगों ने बोला है, तो हम उसको सुधारेंगे। क्या किया जाएगा उसके लिए? नया मंदिर वो जगह दिखाएंगे, वहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो गलती मानते हैं कि गलती से जो है वो टूटा था, और जिन लोगों ने तोड़ा था क्या तो उन पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? सर नौकरी से बर्खास्त किए जाएंगे? सर नौकरी से हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे उनको, देखेंगे उस मामले में। अभी हम तो सस्पेंड किया जाएगा सर, सस्पेंशन और ये हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग ट्रांसफ़र की ही बात कर सकते हैं, जो हमारा जो अधिकार है उसके अनुसार अभी हम बोल सकते हैं। और आगे आज जो बात हुई है कंपनी वालों से, वो यही हुई है कि जल्दी से जल्दी हम मंदिर बनाएंगे, जैसे ही रविंदर सिंह जी ने बोला है कि हम पंडित जी को भेजेंगे, हमने बोला आप पंडित जी को हमारे पास भेजिए, वो जगह देख लेंगे, जो जगह फिक्स होगी तो इनसे हम बनवा लेंगे मंदिर, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मंदिर को तैयार करवा के, तो शिवलिंग जी भोलेनाथ का शिवलिंग है जो, वहाँ पे शिफ्ट करवा देंगे।